ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे साईं, हे गुरुवर, हे बाबा, आज श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय 48 का अध्ययन होने जा रहा है। हे बाबा, अपना आशीर्वाद दे, ये अध्याय हम सब के चित्त में उतरे, हम सभी को इससे लाभ हो। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 48, सद्गुरु के लक्षण। पहला, श्री शेवड़े, और दूसरा श्री सपटनेकर व श्रीमती सपटनेकर, तीसरा संतति दान। अध्याय प्रारंभ करने से पूर्व किसी ने हिमाडपन से प्रश्न किया कि साईं बाबा गुरु थे या सद्गुरु। इसके उत्तर में हिमाडपंत सद्गुरु के लक्षणों का निम्न प्रकार वर्णन करते हैं। सद्गुरु के लक्षण, जो वेद और वेदांत तथा 6 शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करके ब्रह्म विषयक मधुर व्याख्यान देने में पारंगत हो तथा जो अपने श्वासोच्छ्वास क्रियाओं पर नियंत्रण कर सहज ही मुद्राएं लगाकर अपने शिष्यों को मंत्रोपदेश दे, निश्चित अवधि में यथोचित संख्या का जाप करने का आदेश दे और केवल अपने वाक्चातुर्य से ही उन्हें जीवन के अंतिम ध्येय का दर्शन कराता हो तथा जिसे स्वयं आत्म साक्षात्कार ना हुआ हो, वह सद्गुरु नहीं, वरन जो अपने आचरणों से लौकिक व पारलौकिक सुखों से विरक्ति की भावना का निर्माण कर हमें आत्मानुभूति का रसास्वादन करा दे तथा जो अपने शिष्यों को क्रियात्मक और प्रत्यक्ष ज्ञान यानी आत्म अनुभूति करा दे, उसे ही सद्गुरु कहते हैं। जो स्वयं ही आत्म साक्षात्कार से वंचित है, वे भला अपने अनुयायियों को किस प्रकार अनुभूति करा सकते हैं। सद्गुरु स्वप्न में भी अपने शिष्यों से कोई लाभ या सेवा शुश्रूषा की लालसा नहीं करते, वरन स्वयं उनकी सेवा करने को ही उद्दत रहते हैं। उन्हें यह कभी भी भान नहीं होता है कि मैं कोई महान हूँ और मेरा शिष्य मुझसे तुच्छ है, अपितु उसे अपने ही सदृश या ब्रह्म स्वरूप समझा करते हैं। सद्गुरु की मुख्य विशेषता यही है कि उनके हृदय में सदैव परम शांति विद्यमान रहती है। वे कभी अस्थिर या अशांत नहीं होते और ना उन्हें अपने ज्ञान का ही लेश मात्र गर्व होता है। उनके लिए राजा, रंक, स्वर्ग, अपवर्ग सब एक ही समान है। हिमाडपंत कहते हैं कि मुझे गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप श्री साईं बाबा सदृश सद्गुरु के चरणों की प्राप्ति तथा उनके कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे अपनी युवावस्था में चिलम के अतिरिक्त कुछ संग्रह ना किया करते थे, ना उनके बाल बच्चे तथा मित्र थे, ना घर बार था और ना उन्हें किसी प्रकार का आश्रय प्राप्त था। 18 वर्ष की अवस्था से ही उनका मनोनिग्रह बड़ा विलक्षण था। वे निर्भय होकर निर्जन स्थानों में विचरण करते एवं सदा आत्मलीन रहते थे। उनका कथन था कि मैं सदा भक्त के पराधीन रहता हूँ। जब वे शरीर में थे, उस समय भक्तों ने जो अनुभव किए, उनके समाधिस्थ होने के पश्चात आज भी जो उनके शरणागत हो चुके हैं, उन्हें उसी प्रकार के अनुभव होते हैं। भक्तों को तो केवल इतना ही यथेष्ट है कि यदि वे अपने हृदय को भक्ति और विश्वास का दीपक बनाकर उसमें प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करें तो ज्ञान ज्योति आत्म साक्षात्कार स्वयं प्रकाशित हो उठेगी। प्रेम के अभाव में शुष्क ज्ञान व्यर्थ है, ऐसा ज्ञान किसी को भी लाभप्रद नहीं हो सकता। प्रेम के अभाव में संतोष नहीं होता, इसलिए हमारा प्रेम असीम और अटूट होना चाहिए। प्रेम की कीर्ति का गुणगान कौन कर सकता है, जिसकी तुलना में समस्त वस्तुएं तुच्छ जान पड़ती हैं। प्रेम रहित पठन पाठन सब निष्फल है। प्रेमांकुर के उदय होते ही भक्ति, वैराग्य, शांति और कल्याण रूपी संपत्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। जब तक किसी वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसे प्राप्त करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जहाँ व्याकुलता और प्रेम है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाव में ही प्रेम अंतर्निहित है
और वही मोक्ष का कारणीभूत है। यदि कोई व्यक्ति कलुषित भाव से भी किसी सच्चे संत के चरण पकड़ ले तो भी यह निश्चित है कि वह अवश्य तर जाएगा। ऐसी ही कथा नीचे दर्शाई गई है। श्री शेवड़े अक्कलकोट सोलापुर जिला के श्री सपटड़ेकर वकालत का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनकी अपने सहपाठी श्री शेवड़े से भेंट हुई। अन्य और भी विद्यार्थी वहाँ एकत्रित हुए और सब ने अपनी अपनी अध्ययन संबंधी योग्यता का परस्पर परीक्षण किया। प्रश्नोत्तरों से विदित हो गया कि सबसे कम अध्ययन श्री शेवड़े का ही है और वे परीक्षा में बैठने के अयोग्य हैं। जब सब मित्रों ने मिलकर उनका उपहास किया तब शेवड़े ने कहा कि यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है तो भी मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा ही सबको सफलता देने वाले हैं। श्री सपटनेकर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री शेवड़े से पूछा कि ये साईं बाबा कौन है जिनका तुम इतना गुणगान कर रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक फकीर हैं जो शिरडी अहमदनगर की एक मस्जिद में निवास करते हैं। वे महान सत्पुरुष हैं। ऐसे अन्य संत भी हो सकते हैं परंतु वे उनसे अद्वितीय हैं। जब तक पूर्ण जन के शुभ संस्कार संचित ना हो तब तक उनसे भेंट होना दुर्लभ है। मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते। उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरा भी अटल विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से परीक्षा में अवश्य ही सफलता पाऊंगा। श्री सपटेड़कर को अपने मित्र के ऐसे विश्वास पर हंसी आ गई और साथ ही श्री साईं बाबा का भी उन्होंने उपहास किया। भविष्य में जब शेवड़े दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए तब सपटनेकर को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री सपटनेकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अक्कलकोट में रहने लगे और वहीं उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। 10 वर्षों के पश्चात सन 1913 में उनके इकलौते पुत्र को गले की बीमारी से मृत्यु हो गई जिससे उनका हृदय विचलित हो उठा। मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु उन्होंने पंढरपुर गाड़गापुर और अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा की परंतु उनकी अशांति पूर्ववत ही बनी रही। उन्होंने वेदांत का भी श्रवण किया परंतु यह भी व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। अचानक उन्हें शेवड़े के वचनों तथा श्री साईं बाबा के प्रति उनके विश्वास की स्मृति हो आई और उन्होंने विचार किया कि मुझे भी शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करना चाहिए। वे अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने समीप जाकर नमस्कार करके शुद्ध भावना से श्रीफल भेंट किया तो बाबा तुरंत क्रोधित हो उठे और बोले कि यहाँ से निकल जाओ। सपटनेकर का सिर झुक गया और वे कुछ हटकर पीछे बैठ गए। वे यह जानना चाहते थे कि किस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। किसी ने उन्हें बालाशिम्पी का नाम सुझा दिया। सपटनेकर उनके पास गए और उनसे सहायता करने की प्रार्थना करने लगे। तब वे दोनों बाबा का एक चित्र मोल लेकर मस्जिद को आए। बालाशिम्पी ने अपने हाथ में चित्र लेकर बाबा के हाथ में दे दिया और पूछा कि यह किसका चित्र है। बाबा ने सपटनेकर की ओर संकेत कर कहा कि यह तो मेरे यार का है। यह कहकर वे हंसने लगे और साथ ही सब भक्त मंडली भी हंसने लगी। बालाशिम्पी के संकेत पर जब सपटनेकर उन्हें प्रणाम करने लगे तो वे पुनः चिल्ला पड़े कि बाहर निकालो। सपटनेकर की समझ में नहीं आता था कि वे क्या करें। तब वे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बाबा के सामने बैठ गए परंतु बाबा ने उन्हें तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। वे दोनों बहुत ही निराश हुए। उनकी आज्ञा कौन टाल सकता था। आखिर सपटनेकर खिन्न हृदय शिरडी से वापस चले गए। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे साईं मैं आपसे दया की भिक्षा मांगता हूँ। कम से कम इतना तो आश्वासन दे दीजिए कि मुझे भविष्य में कभी ना कभी आपके श्री दर्शनों की अनुमति मिलेगी। श्रीमती सपटनेकर 1 वर्ष बीत गया फिर भी उनके मन में शांति ना आई। वे गाड़गापुर गए जहां उनके मन में अशांति और अधिक बढ़ गई। अंत वे माड़े गांव विश्राम के लिए पहुंचे और वहां से ही काशी जाने का निश्चय किया।
प्रस्थान करने के दो दिन पूर्व उनकी पत्नी को स्वप्न हुआ कि वह स्वप्न में एक गागर ले लक्कड़ शाह के कुएं पर जल भरने जा रही है। वहां नीम के नीचे एक फकीर बैठा है, सिर पर एक कपड़ा बंधा हुआ है। फकीर उसके पास आकर कहने लगा कि मेरी प्रिय बच्ची, तुम क्यों व्यर्थ कष्ट उठा रही हो, मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। तब फकीर के भय से वह खाली गागर लेकर ही लौट आई, फकीर भी उसके पीछे पीछे चला आया। इतने में ही घबराहट में उसकी निद्रा भंग हो गई और उसने आंखें खोल दी। यह स्वप्न उसने अपने पति को सुनाया। उन्होंने उसे एक शुभ शकुन जाना और वे दोनों श्रीडी को रवाना हो गए। जब वे मस्जिद पहुंचे तो बाबा वहां उपस्थित ना थे, वे लैंडी बाग गए हुए थे। उनके लौटने की प्रतीक्षा में वे वहीं बैठे रहे। जब बाबा लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में जिस फकीर के उसने दर्शन किए थे उनकी आकृति बाबा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। उसने अति आदर सहित बाबा को प्रणाम किया और वहीं बैठे बैठे उन्हें निहारने लगी। उसका विनम्र स्वभाव देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपनी पद्धति के अनुसार वे एक तीसरे व्यक्ति को अपने अनोखे ढंग से एक कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ, उदर शरीर तथा कमर में बहुत दिनों से दर्द हुआ करता था। मैंने अनेक उपचार किए परंतु मुझे कोई लाभ ना पहुंचा। मैं औषधियों से ऊब उठा क्योंकि मुझे उनसे कोई लाभ ना हो रहा था। परंतु अब मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि मेरी समस्त पीड़ाएं एकदम ही जाती रही। यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया था परंतु यह चर्चा स्वयं श्रीमती सपटेकर की थी। उनकी पीड़ा जैसा बाबा ने अभी कहा सर्वथा मिट गई और वे अत्यंत प्रसन्न हो गई। संतति दान। तब श्री सपटनेकर दर्शन के लिए आगे बढ़े, परंतु उनका पूर्वोक्त वचनों से ही स्वागत हुआ कि बाहर निकल जाओ। इस बार वे बहुत धैर्य और नम्रता धारण करके आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले कर्मों के कारण ही बाबा मुझसे अप्रसन्न हैं और उन्होंने अपना चरित्र सुधारने का और बाबा से एकांत में भेंट करके अपने पिछले कर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने वैसा ही किया भी, और जब उन्होंने अपना मस्तक उनके श्री चरणों पर रखा तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अभी सपटनेकर उनके चरण दबाते हुए बैठे ही थे कि इतने में एक गडेरिन आई और बाबा की कमर दबाने लगी। तब वे सदैव की भांति एक बनिए की कहानी सुनाने लगे। जब उन्होंने उसके जीवन के अनेकों परिवर्तन तथा उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल सुनाया तो सपटनेकर को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जो कथा वे सुना रहे हैं वह तो मेरी है। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि उनको मेरे जीवन की प्रत्येक बात का पता कैसे चल गया। अब उन्हें विदित हो गया कि बाबा अंतर्यामी हैं और सबके हृदय का पूरा पूरा रहस्य जानते हैं। यह विचार उनके मन में आया ही था कि गडेरिन से वार्तालाप चालू रखते हुए बाबा सपटनेकर की ओर संकेत कर कहने लगे कि यह भला आदमी मुझ पर दोषारोपण करता है कि मैंने ही इसके पुत्र को मार डाला है। क्या मैं लोगों के बच्चों का प्राण हरण करता हूँ? फिर ये महाशय मस्जिद में आकर अब क्यों चीख पुकार मचाते हैं? अब मैं एक काम करूंगा, अब मैं उसी बालक को फिर से इनकी पत्नी के गर्भ में ला दूंगा। ऐसा कहकर बाबा ने अपना वरद हस्त सपट लेकर के सिर पर रखा और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि ये चरण अधिक पुरातन तथा पवित्र हैं। जब तुम चिंता से मुक्त होकर मुझ पर विश्वास करोगे तभी तुम्हें अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। सपटनेकर का हृदय गदगद हो उठा। तब अश्रुधारा से उनके चरण धोकर वे अपने निवास स्थान पर लौट आए और फिर पूजन की तैयारी कर नैवेद्य आदि लेकर वे सपत्नीक मस्जिद में आए। वे इसी प्रकार नित्य नैवेद्य चढ़ाते और बाबा से प्रसाद ग्रहण करते रहे। मस्जिद में अपार भीड़ होते हुए भी वे वहां जाकर उन्हें बार बार नमस्कार करते थे। एक दूसरे से सिर टकराते देखकर बाबा ने उनसे कहा कि प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा किया हुआ एक नमस्कार ही मुझे पर्याप्त है। उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी का उत्सव देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हें बाबा ने पांडुरंग के रूप में दर्शन दिए। जब वे दूसरे दिन वहां से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने विचार किया कि पहले दक्षिणा में बाबा को एक रुपया दूंगा, यदि उन्होंने और मांगे तो अस्वीकार करने के बजाय एक रुपया और भेंट में चढ़ा दूंगा। फिर भी यात्रा के लिए शेष द्रव्य राशि
पर्याप्त होगी। जब उन्होंने मस्जिद जाकर बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दी तो बाबा ने भी उनकी इच्छा जानकर 1 रुपया उनसे और मांगा। जब सपटनेकर ने उसे सहर्ष दे दिया तो बाबा ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि यह श्रीफल ले जाओ और इसे अपनी पत्नी की गोद में रखकर निश्चिंत होकर घर जाओ। उन्होंने वैसा ही किया और 1 वर्ष के पश्चात ही उन्हें 1 पुत्र प्राप्त हुआ। 8 मास का शिशु लेकर वह